नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के युवाओं पर नौकरियों की बौछार कर रही है। बीते 19 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में राज्य के 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और अब सरकार इन शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी करने वाली है। अगले महीने यानी जून में सरकार और भी 6,000 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाली है। राज्य का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अगले महीने होने वाले इस कार्यक्रम के लिए अभी से तैयारी में लग गया है। बता दें, 19 मई को नियुक्ति पत्र बांटे जाने के कार्यक्रम में सीएम सोरेन ने पहले ही इस ओर इशारा कर दिया था। सीएम ने कार्यक्रम में कहा, शिक्षा हमारे लिए मजबूत रीढ़ का हड्डी साबित हो, झारखंड के नौनिहालों को अच्छी शिक्षा मिले, यही हमारा लक्ष्य है। अभी राज्य में हजारों की संख्या में शिक्षकों की बहाली होनी है, कई और नियुक्तियां भी होनी है जिसकी प्रक्रिया लगभग आखिरी चरण में है। इसी के साथ आपको बता दें कि राज्य में उत्कृष्ट विद्यालयों में भी विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ की जा रही है। हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को निजी स्कूल के तर्ज पर शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन उत्कृष्ट विद्यालयों में मैनेजरों की भी नियुक्ति की जा रही है और राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में भी मैनेजर नियुक्त किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इन स्कूलों में संविदा पर लाइब्रेरियन भी नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री राज्य के शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर काफ़ी सजग हैं। उन्होंने कहा कि आज राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति देखने को मिल रही है। कई नियुक्तियां कई झंझावातों के बाद हुई हैं, लेकिन हमने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। इन झंझावातों के बाद भी कुछ दिनों पूर्व ही सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई। जेपीएससी अंतर्गत युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। पहले जेपीएससी को रिजल्ट निकालने में वर्षों लग जाते थे, हमने समय से पहले रिजल्ट निकाल कर नियुक्ति दी। आज वे पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। राज्य में नर्स, आयुष चिकित्सक, सहायक अभियंता सहित कई नियुक्तियां हुई हैं। सरकार युवाओं को नौकरियां दे रही है, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जेएमएम ने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे अपने कार्यकाल के पहले 2 वर्ष में 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। लेकिन सरकार गठन के बाद ही पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल गई और पूरे देश भर में ही नियुक्तियां रुक गई। झारखंड में भी उस दौरान नियुक्तियां नहीं हो पाई। अब सरकार गठन के 3 वर्षों के बाद जब स्थिति सामान्य हुई है, तब झारखंड में भी नियुक्तियां शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि अपने बचे हुए कार्यकाल में हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं को कितनी नौकरियां दे पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।